हर हर महादेव दोस्तों, मंदिर के दर्शन करने के लिए हम अपने बेस कैंप से निकल चुके हैं। हम पूरे रास्ता जो है वो पैदल तय किया है अपना, जो 16 किलोमीटर समथिंग का बैठता है। साइड में आपको दिख रहा होगा, देखो कैंप वगैरह लगे हुए हैं। तो ये कैंप आप ठंड के समय तो मत ही लेना, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है रात को, ठीक है। क्योंकि हमने पहले लिया था, उसके बाद हमने उसको मना कर दिया, वो दूसरी जगह हमने कैंप लिया। कैंप अच्छे देना, जैसे शेल्टर वाले कैंप होते हैं तो वो ले, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आप ठंड के मौसम में आ रहे हैं, कि आप आपके घर पे ठंड है और आप उस मौसम में आ रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड मिलने वाली है। -5, 6, 7, 8 डिग्री टेम्परेचर तक का तापमान रात को देखने को मुझे मिला। और यहाँ पे अगर आप हेलीकॉप्टर से आने चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं, सिर्फ आधा घंटा भी नहीं लगता होगा मेरे हिसाब से, 20 मिनट लगती होगी हेलीकॉप्टर से नीचे से आने में। तो ये है, बाकी अगर आप सबसे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप पैदल आएँ, ताकि आपकी यात्रा मानी जाए। क्योंकि देखो हेलीकॉप्टर वगैरह से तो कोई भी आ सकता है, पैदल जो आया एक तरह से उसकी यात्रा सफल रही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब पहले बार तो मैं पैदल जाता हूँ, बाकी कितनी बार चले जाएँ वो अलग बात है कि कैसे भी चले जाएँ, फर्स्ट टाइम जब आप जा रहे हैं तो पैदल जाएँ। और सामने आपको है देखो हेलीपैड भी देखने को मिल जाएगा। हम अभी मेन रोड पे हैं, जो जहाँ पे सामने की तरफ केदारनाथ मंदिर है। और यहाँ पे जो साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ये सारी लाइन जो लगी हुई है ये मंदिर के दर्शन करने के लिए ही लगी हुई है। हम पहले आगे जाएंगे, वहाँ से प्रसाद वगैरह लेंगे और वहीं पे अपना जो बैग वगैरह है वो रख के फिर पीछे की तरफ आके लाइन में लगेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी भीड़ थी दिवाली से पहले, क्योंकि देखो दिवाली के बाद भैया दूज पे कपाट जो हैं बंद हो जाते हैं और मूर्ति को ओखीमठ में स्थापित कर दिया जाता है। तो इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा होती है जब यहाँ पे कपाट बंद होने का टाइम होता है। तो ये ओम जो था वो पिछले साल बन ही रहा था और लगभग ये 30 फुट का ओम बना रखा है, बहुत ही सही लगा मुझे ये। यहाँ पे मैं मेन जो यहाँ पे है वहाँ पे हूँ फिलहाल, जो मेन यहाँ पे एरिया है। साइड में लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है साइड में से निकाली हुई है, और यहाँ पे सब अपना फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पे जो भी है आप फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, वीडियो वगैरह बना सकते हैं, आप दर्शन कीजिए मंदिर के, मेन तो यही है। और सामने आपको जो वाइट वाइट क्लाउड दिख रहे हैं उसके पीछे सारी जो माउंटेन्स हैं वो पूरी तरीके से आइस वाले हैं। और लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से दोनों साइड से नदी आती है। मंदिर का जो स्थान है वो ऊंचा है थोड़ा, लास्ट टाइम जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो वो इसी वजह से आई थी, क्योंकि दोनों तरफ नदी थी और ज़्यादा पानी आने की वजह से वो यहाँ तक भी आई थी। तो ये चीज़ है, पीछे जो है मंदिर की वो भी है अपना, जिसको भीमशिला बोलते हैं। बाकी आगे थोड़ा सा चलते हैं और आपको अच्छी तरह से दर्शन कराते हैं मंदिर के। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जैसे केदारनाथ जी हैं जो इस तरह से हमारे टुंगनाथ और मधमेश्वर कल्पेश्वर और रुद्रनाथ, 5 केदार होते हैं। अगर आपको शिव महाराज के दर्शन करने हैं तो इन 5 केदार में जा सकते हैं और 5 केदार भी आपके पूरे हो जाएंगे। जैसे 4 धाम होते हैं उत्तराखंड के, 4 धाम हमारे गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ हैं, इसी तरह से 5 केदार हैं केदारनाथ टुंगनाथ रुद्रनाथ कल्पेश्वरम मधमेश्वरम करके ये पूरा है।